नमस्कार, स्नैक मील किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सॉटेड वेजिटेबल। इसमें प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं और यह बनाना बहुत ही आसान है। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही हेल्दी टेस्टी सॉटेड वेजिटेबल बनाना। यहाँ पे हमने लिया है 2 प्याज, जिसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया और इनके सारी कलियों को हमने अलग अलग कर दिया। हमने यहाँ पर गाजर लेके इनके बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पनीर भी लिया है और हमने लिया लहसुन जो 4 से 5 कली है, जिसे हमने बारीक काट लिया, और अदरक इसे भी हमने बारीक काट लिया। हमने टमाटर लिए, ये 3 टमाटर है जिसे हमने बड़े बड़े काट लिए, और 2 शिमला मिर्ची जिसे भी हमने बड़े टुकड़ों में काटा है, और थोड़े से मटर। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पर फ्राई पैन रखा और उस पर 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया। अगर चाहो तो इसमें तेल थोड़ा कम भी काम में ले सकते हैं। और अब हम तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले अदरक और लहसुन, और इन दोनों को हम अच्छी तरह मिला लेंगे और अच्छी तरह गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गाजर। सबसे पहले हमने गाजर इसलिए डाला इसमें क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा समय लगेगा, और अब हम इसे अच्छी तरह हिला लेंगे। आप इसकी जगह जो लाल गाजर आती है वो भी काम में ले सकते हैं। इसको हम कम से कम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, और उसके बाद हम डालेंगे प्याज, और इसे भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें आप सब्जी जो आपका इच्छा हो आप सब्जी इसमें डाल सकते हो। आप इसे ब्रोकली डाल सकते हो, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, जो भी आपको सब्जी पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। अभी हम इसमें नमक कम ही डालेंगे क्योंकि बाद में हम इसमें नमक और ऐड करेंगे। अगर आप नमक कम खाते हो तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक इसमें डाल लीजिएगा। अब हम इनको मिला लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची। और इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे मटर और ये टमाटर। इन सबको अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा नमक और डालेंगे। आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। दो से तीन मिनट इसे मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे। काली मिर्च पाउडर डालने के बाद हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे, हमने 1 चम्मच मक्के का आटा लिया
और उसमें थोड़ा पानी मिला लिया और इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे और फिर हम सबको अच्छी तरह मिला लेंगे। इसको डालने से हमने जो इसमें काली मिर्च और नमक डाला था वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और इसके साथ ही इसका जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। हमने जो इसमें मक्के के आटे का घोल बना के डाला था उसको डालने के बाद हमें इसे कम से कम 2 मिनट तक इसको पकाना है ताकि आटा कच्चा ना रहे। और फिर हम इसमें डालेंगे पनीर। और इसे भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे। हमने इसमें बहुत ही कम मसालों को काम में लिया है तभी तो ये हेल्दी और टेस्टी बनेगी, इसलिए हमें कम से कम मसाले इसमें डालने हैं। इन सबको अब हमें अच्छी तरह मिला लेना है। और इसके बाद हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हमारा सॉर्टेड वेजिटेबल बिल्कुल बनकर तैयार है और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। ये आधा नींबू लिया था हमने, उसका रस निकाल लिया और इसको हमने इसमें मिला दिया। तो अगर शाम को कभी आपको डिनर में हल्का फुल्का खाने की इच्छा हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हेल्दी भी है, कम मसाले वाले भी है और बहुत ही स्वादिष्ट भी है। इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिए और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करते रहिए और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।